आक्रमण काल में गुरु नानक देव जी से लेकर शंकर देव जी तक पूरब से पश्चिम उत्तर से दक्षिण हमारे सारे कवियों ने संतों ने सब ने पूरे भारत की महिमा गाई। इन विविधताओं के बावजूद हम एक देश है, हम एक राष्ट्र है, प्राचीन समय से है। राजा बदलते रहे, बाहर से आक्रामक आए, उन्होंने भी कभी कभी राज किया, लेकिन हम वही भारत रहे। हम आज भी वही भारत है जो सनातन काल से चलता आया है। हमारे कपड़े बदले, रहन सहन बदल गए, ज्ञान बदला बढ़ गया, ये सारे जो बदल सृष्टि में होते हैं हमारे भी हुए, लेकिन इन कपड़ों के अंदर इन बदली हुई पक्के घरों के बस्तियों के बीच में आज के वातावरण में आज के ज्ञान में भी सारी दुनिया से स्पर्धा करने वाले आप वही प्राचीन काल से जंगलों में खेतों में रहने वाले हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों के वंशज है, हम सब के पूर्वज समान। आज का विज्ञान डीएनए मैपिंग के बाद कहता है, आज हमको कुछ भी लगे हम ये कहे कि नहीं हम अलग अलग है, हम ऐसा है वैसा कुछ भी कहे, विज्ञान कहता है 40,000 वर्ष पहले से जो अखंड भारत था, काबुल के पश्चिम से चिंद्रिन नदी की पूरब तक और तिब्बत के उत्तर की ढलान से यानी चीन की तरफ की ढलान से श्रीलंका के दक्षिण तक जो मानव समूह आज है उन सबका डीएनए 40,000 वर्षों से समान डीएनए है, यानी तब से कम हमारे पूर्वज समान है। और हमको उन पूर्वजों ने यही सिखाया,